किचन में होंगी आंटी। ओह, तुम प्रतिभा ही हो ना? हाँ। इतनी छोटी सी थी तुम, कितनी बड़ी हो गई हो। क्या करो आंटी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। आप भी देखो कितनी बुढ़ी हो गई हो ना। बेटा पहचाना मुझे? गेस कौन हूँ मैं? नहीं पहचाना आंटी। कैसे पहचानोगी, इतनी छोटी सी थी तुम जब मैं आया करती थी। जब पता है तो ऐसे फालतू सवाल क्यों करती हो आंटी। पढ़ाई में क्या करती है आपकी बिटिया? बीकॉम करती है अभी वो। मेडिकल क्यों नहीं किया बेटा? बीकॉम में क्या रखा था, बीकॉम क्यों किया? कुछ खास नहीं आंटी, बस सेक्सी लग रहा था तो सोचा कर लूं। Oh, no. बेटा तुम फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह कुछ ज्यादा ही नहीं चलाती हो? यस आंटी, आपको भी सिखा दूं क्या? नहीं नहीं बेटा, वो बिटिया चलाती है ना, तो मैं देख रही थी कुछ ज्यादा ही छोटे छोटे कपड़े पहने थे तुमने। आंटी साहब आपने गौर से नहीं देखा, मेरे कपड़े ना आपकी सोच से भी बड़े हैं। साथ साथ मॉडलिंग, डांसिंग, एक्टिंग, यूट्यूब वीडियोस भी बनाती हो, टिकटॉक भी बनाती हो, इसे फालतू टाइम कैसे मिल जाते हैं तुम्हें? सेम वैसे ही आंटी, जैसे आप अपने घर के सारे काम खत्म करके यहाँ पे बकचोदी करने आ जाती हैं। मेरी बेटी के ना 93% आए हैं इस बार। इस बार वो अमेरिका पढ़ाई करने जा रही है। हाँ आंटी, अब उसको दूर तो जाना ही पड़ेगा, आपको झेलना इतना आसान थोड़ी है। बेटी तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो। कुछ भी करना, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए ना किसकी मोहताज मत होना। आंटी दो वक्त की रोटी तो जेल में भी मिल जाएगी, बाकी आप समझदार हो। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं फिर। जिंदगी में ना खूब तरक्की करना। आंटी तरक्की तो मैं कर लूँ, लेकिन आप सह पाओगे? ओ बेटा मैं सब मजाक करती रहती हूँ, मजाक करना नहीं छोड़ोगी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपके यहाँ भी ऐसे रिलेटेबल रिलेटिव्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने भी ऐसे स्वैग रिप्लाई दिया हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। सो स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।